इस बात से परेशान हैं जो विरोधी हैं कि योगेश वर्मा को 5,36,000 वोट कैसे मिल गए, हमें तो 1,00,000-1.25 लाख वोट भी नहीं मिली, उसको 5,36,000 वोट कैसे मिल गई, हम तीसरे नंबर पर आ गए, योगेश वर्मा दूसरे नंबर पर कैसे। सुनीता वर्मा को जो वोट मिली है, योगेश वर्मा लोगों के दिलों में बसा हुआ है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच चल रहा सियासी घमासान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब समाजवादी पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान भी धरातल पर आ गई है। मेरठ में गठबंधन प्रत्याशी रही पूर्व मेयर सुनीता वर्मा की हार के बाद उनके पति पूर्व MLA योगेश वर्मा ने अतुल प्रधान का नाम लिए बिना उन्हें निशाने पर ले लिया। उन्होंने खूब भड़ास भी निकाली और बड़ा चैलेंज भी कर दिया। फेसबुक पेज पर लाइव आकर अतुल प्रधान पर बड़े आरोप लगाए। पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल से चुनाव हार गईं। नतीजों के 18 दिन बाद पूर्व विधायक योगेश वर्मा का गुस्सा बाहर आया। सपा विधायक अतुल प्रधान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि पिछले चुनाव में 1.25 लाख वोट ही ले पाए और तीसरे नंबर पर आ गए, जबकि योगेश वर्मा यानी उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव में करीब 5,36,000 वोट मिले। कि कुछ लोग इस बात से परेशान हैं जो विरोधी हैं कि योगेश वर्मा को 5,36,000 वोट कैसे मिल गई, हमें तो 1,00,000-1.25 लाख वोट भी नहीं मिली, उसको 5,36,000 वोट कैसे मिल गई, हम तीसरे नंबर पर आ गए, योगेश वर्मा दूसरे नंबर पर कैसे। इस बात को लेकर बहुत परेशान है, उनको ये नहीं पता योगेश वर्मा लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सुनीता वर्मा को जो वोट मिली है, योगेश वर्मा लोगों के दिलों में बसा हुआ है, इस वजह से वोट मिली है। वो परेशान है, वो चारों तरफ अफवाहें फैला रहे हैं, तरह तरह की अफवाह कि योगेश वर्मा को अंदर डरा लिया। क्या ये हंसी की बात नहीं है? योगेश वर्मा को कोई डरा सकता है क्या? मेरे समाज के लोग जानते हैं योगेश वर्मा को, मेरठ का आवाम जानता है, किसी में ताकत है क्या योगेश वर्मा को कोई डरा लेगा, कोई धमका लेगा कि योगेश वर्मा को अंदर बुला के अधिकारियों ने धमका लिया? क्या आप सोच सकते हैं ये बात? बता दें कि सपा MLA अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान ने मेरठ से महापौर का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव ही नहीं हारे बल्कि तीसरे स्थान पर रहीं। बीजेपी के हरिकांत आलूवालिया चुनाव जीते थे और AIMIM के मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बेहद खासम खास पूर्व विधायक योगेश वर्मा बेहद ही तल्ख तेवर में नजर आए। उन्होंने आगे खरीद फरोख्त को लेकर भी चैलेंज किया। बात खरीद फरोख्त की, जाओ तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, योगेश वर्मा का एक मूछ का बाल खरीद के दिखा देना, अगर बाप में तो ये कहना चाहता हूं आपको। राजनीति कर रहा हूं और मजबूती से राजनीति करूंगा। तुम कभी ये सोच रहे हो, परेशान तो तुम हो कि योगेश वर्मा हारने के बाद भी अपने समाज का और पूरे मेरठ के आवाम का नेता है, 5,36,000 वोट मिले। मैं तो मुस्लिम समाज का शुक्रिया अदा कर रहा हूं और दलित समाज का। तुम लेके दिखा दो, पूरी ताकत तो लगाई आप लोगों ने, मेरे आवाम, मेरे जनता को, मेरे आवाम को, मेरे समाज को पता चल गया कि आपने क्या किया। अब पूर्व विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद भाजपा के कैंडिडेट को भी लाइन पर लिया। बोले भाजपा वाले अपने ही सांसद को देखने के लिए तरस जाएंगे। और मैं अब ये बताना चाहता हूं, जो चुनाव जीता है ना, जो सांसद बने हैं, ये भाजपा वाले भी उनकी सूरत देखने के लिए तरसेंगे। और योगेश वर्मा 5,36,000 जो वोट मिली है, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गली मोहल्लों में जाके धन्यवाद यात्रा निकालेगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो भैया कुल मिला जुलाकर पूर्व MLA योगेश वर्मा ने बिना नाम लिए सपा MLA अतुल प्रधान पर खूब सियासी बाण चलाए। हालांकि मेरठ लोकसभा क्षेत्र में ये हलचल चुनाव के दिनों में भी देखी गई, जिसके बाद अखिलेश ने दोनों को लखनऊ दफ्तर बुलाकर समझाया और टिकट योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को दिया गया, जो भाजपा के कैंडिडेट अरुण गोविल से 10,585 वोटों से हार गई। बहरहाल एक बार फिर पूर्व MLA योगेश वर्मा ने इस वीडियो से नई सुर्खियों को जरूर जन्म दे दिया है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, UP तक।